हेलो यारो, वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल दबंग। और अब हम देखने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज पामाकुल। बाय द वे, ये वो जगह नहीं है। ये अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और पैकेज लिया हुआ है तो ये बीच में छोटी 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 चीज़ें शॉप्स पर आप ले जाएंगे। पर अब हम हैं वर्ल्ड हेरिटेज पामाकुल पे। सही बताऊं तो बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब। चलो वैसे मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज पामाकुल में एक ही जगह नहीं है, बहुत सारी जगहें हैं। पर मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊंगा। ये जिमनाजियम था, ऑयल वॉयल लगा रहे कसरत वसरत करके, है बहुत बड़ा है ये। और हर जगह एक एक स्पॉट अपना अलग बना रखा है, हर स्पॉट की खासियत बताएंगे। अभी जो मेरे को सुनाई दिया है, यहाँ पे है रोमन थिएटर, ये कुछ 5th सेंचुरी का बना हुआ है। आप देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है देखने को। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धीरे धीरे सूरज और चढ़ेगा और ये कपड़े 1, 2, 3 से शायद एक ही रह जाए। दिखाता हूँ आगे। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक ही दिखाने जा रहा हूँ और वो है बहुत ही गज़ब, जहाँ पर गज़ब का व्यू मिलेगा, थर्मल वाटर पूल। और आप ढेर सारी अपने पिक्चर्स खींच सकते हैं, रील बना सकते हैं, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। और ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, थर्मल वाटर पूल है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी आपकी बीमारियों को दूर करने में आपको मदद करेंगे। और अगर आप लकी हुए तो ही आपको पानी मिलेगा, यहाँ पर हमेशा पानी नहीं होता। सो इफ यू लकी, यू लकी, बट ये व्यू जिंदगी भर याद रहने वाला व्यू है, कमाल की जगह है। आओ देखें जरा कितना गजब है व्यू। और अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। आपको गाइड को बताना है कि आपको पैराग्लाइडिंग पे जाना है, वो आपसे पूछेगा भी, आप उनको बता देना। बहुत सिंपल है, वो आपको प्राइस बताएगा और आपका स्टॉपेज कहीं और से होगा, जहां पर आपको गाइड अपनी गाड़ी से भेज देगा। आप पैराग्लाइडिंग के भी लुफ्त उठा सकते हो। पर सही बताऊँ तो जिस जगह पे अगर हम अभी खड़े हैं, वहाँ से जाने का मन करेगा ही नहीं। तो अगर आप पैराग्लाइडिंग करो तो वो एक एडवेंचर, पर जहाँ आप हो अभी कोई चांस ही नहीं है कि आपका जाने का मन करेगा। तो ढेर सारी पिक्चर्स और ढेर सारी रील फुर्सत से बनाओ, पर फुर्सत शायद आपके पास हो ना, क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आप यहाँ पर इतनी देर हैं, घूम लो सारा। तो इस जगह का सबसे पहले लुफ्त उठा लेना।
गुड ब्रो, टू गुड। पर ये जो नीचे है ना पत्थर, ये तो भाई